निवेदना तो नहीं मंगलम चेतम दर्शन संततम नहीं मंत्र तो नियंत्र विश्वेदना तो आपको आठों अंगों का पालन होना चाहिए, आठों अंगों का पालन, ठीक है, अच्छे से याद करो, अच्छे से आगे विचार करेंगे। जानाति श्रुता सर्वम तत्संविदम स्मयमहम् संवेद्यम। कितना गहरा विषय यत्न शुद्धात्मा अग्राह्यम पर के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। संवेद्य वेद वेदक भाव यहां ग्रहण करना, समी वेद्य समी वेदक है। लवण खिल्यवत, लवण खिल्यवत सब में ही लवण लवण युक्त है। लवण ने पर धर्म को ग्रहण नहीं किया, पर वस्तु में पड़ा होने पर भी नमक अपने ही धर्म में रहता है। अज्ञानी कहते हैं दाल नमकीन हो गई, पर दाल अपने में ही है, नमक का प्रभाव अपना चल रहा है। दुग्ध में मिश्री घुल गई, दुग्ध मीठा है, अज्ञानी दुग्ध को मीठा ही मानता है, पर वास्तव में यस मीठा कोई है तो मिश्री है, दूध नहीं है। दूध के परिणामाणु तो फीके ही हैं, पर सक्तांश होने से बंधे को परिणाम को उच्चा सक्तांश अधिक होने से वो तद्रूप परिणत होता दिख रहा है, पर वास्तव में परमाणु बदले नहीं है। अन्नोनम पवसंता दिनता उगासमन मंडन से मेलनता विदितम सगम क्षण जयंती। एक द्रव दूसरे द्रव में मिले होने पर भी परस्पर में अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं। इसी गाथा के बल पर हम अपनी आत्मा को इस दरीर शरीर से भिन्न देखते हैं। रासायनिक द्रव्यों में तुम रासायनिक क्रिया देखना जानते हो, ये चैतन्य धातु है, शरीर भी पुद्गल धातु है और आत्मा चेतन धातु है। इन दोनों का परस्पर मिलन है, इसलिए गतियों भ्रमण है। इस भ्रमण के काल में भी तत्वज्ञानी जीव निर्णय कर लेता है, नहीं मैं से भिन्न हूँ, और भिन्न का वेदन करके ध्यान के बल पर जैसे किट्टमा से युक्त सोने को हम अग्नि की धोकनी के माध्यम से पृथक कर लेते हैं जान करके, ऐसे ज्ञानी जीव इस शरीर में आत्मा है, कर्म पिंड में आत्मा है, उसे हम ध्यान के बल पर भिन्न कर लेते हैं। पुरुषार्थ जीव को ही करना पड़ेगा, पुरुषार्थ जीव को ही करना पड़ेगा। उपादान में पुरुषार्थ जीव को ही करना पड़ेगा, सोपादान में। विपरीत उपादान होने से कर्म बंद होता रहा, सम्यक उपादान का प्रयोग करोगे तो कर्म से निर्बंध हो जाएगा जीव। इसलिए न ग्रहणम ग्रहण नहीं करता, और गृहित्वापि और जो ग्रहण किया है अनंत ग्यारह जो गुण है नावे आत्मा के न मुंचति। आहा अग्राही को ग्रहण करने योग्य नहीं है, कभी ग्रहण नहीं करता, और गृहित जो हमारा निज धर्म है उसको कभी छोड़ता नहीं है। सर्व पदार्थों को सर्वथा सब प्रकार से जानाति जो जानता है तत् वही संवेदम अपने द्वारा अनुभव में योग चेतन द्रव्यम अहम अस्मि, मैं एकमात्र चेतन द्रव्य हूँ, अहम अस्मि संवेद्य संवेद्य से मात्र मैं एक चेतन द्रव्य हूँ, एकमात्र मैं चेतन द्रव्य हूँ, शेष नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अग्रहम न गृहणाति जो इस पर रस गंध वर्ण भूत पुद्गल द्रव्य हैं,
वे ही सर्वदृष्टि गोचर हो रहे हैं। अपने शरीर से लेकर के पर शरीर, शरीर के योग्य जो परद्रव्य हैं, भोजन वाहन यान शयन आदि की सामग्रियां, ये सब अग्रहित हैं, इन्हें मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। फिर तुमको सुंदर कक्ष असुंदर कक्ष कुछ नहीं, मैं ग्रहण ही नहीं करता हूँ। और उसमें पांच इंद्रिय के विषय सारे गामा पादा निशा स्पर्श रस गंध वर्ण सब ग्रहण कर लेना, संपूर्ण इंद्रियों के विषय मैं इनको ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। खिन्नता किस बात की, आहार में चाहे सरस मिले नीरस मिले, सुनो ध्यान के लोगों ने आंखें मीच के बैठ जाओ इतना ही ध्यान है, ये नहीं हो रहा कल्याण। आपको आहार चौके में गए आहार लेने, वहां पर भी ध्यान करना पड़ेगा। लब्ध अलब्ध लवण अलवण, कितने लोग चिल्ला रहे नमक नहीं देते नमक नहीं देते, लवण अवर्ण स्निग्ध रुच्छ उष्ण अनुष्ण यथालब्ध, वहाँ ध्यान दो कि ध्यान न दूँ मैं इन पर। इसलिए जो साम्य भाव है समता भाव है वही ध्यान है, ठीक है। अब इन रहस्यों को लोग जानते नहीं है इसलिए जबरदस्ती सिर्फ फाड़ लेते हैं, अपना जबरदस्ती सिर्फ फाड़ लेते हैं, अब ध्यान नहीं लग रहा, टिक नहीं रहे टिक नहीं रहे। तुम साम्यता में जाते जाओ साम्यता में जाते जाओ, ध्यान होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि कक्षा चल रही है आप लोग बातें कर रहे हो, ठीक मैं देख रहा हूँ, आप मौन लोगे तो हम बोलना शुरू कर देंगे अब, और आप बोल रहे हैं तो हमारा मौन है, लेकिन अपने सामायिक भंग करना ये हमारा धर्म नहीं है, ठीक है। हो सकता है निर्विकल्प सोचें ये क्यों नहीं बोल रहे उनको डांट रहे, पशु हो तो छड़ी मारी जाए, ठीक है। पर की विषमता में हम अपनी समता का नाश क्यों करें, हम ज्ञान के दाता हैं न कि कसाई के दाता, ठीक है। इसलिए ध्यान पूरे की नित्य चपलता है।